ओम नमः शिवाय के जाप के साथ भक्तों ने शिवरात्रि की पूजा की। जगह जगह शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालु कर रहे हैं शिव की आराधना और पूजा। बड़े मंदिरों के साथ साथ मोहल्ले में छोटे छोटे मंदिरों में भी शिव भक्ति में डूबे हैं रायबरेली के लोग। सत्यनगर में स्थित आनंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने रात भर ओम नमः शिवाय का जाप किया और सुबह आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। सत्यनगर में स्थित इस मंदिर का भी इतिहास लगभग 70 साल पुराना है। सालों से हर वर्ष इस मंदिर में शिव पूजा आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी छोटी कन्याओं ने अपनी प्रस्तुति दी और महिलाओं ने ढोलक और मंजीरे से भजन कीर्तन किया। S7 के लिए आकाश बारी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। सत्यनगर का निवासी हूँ। ये बाबा श्री आनंदेश्वर महादेव बाबा मंदिर में आज विगत वर्षों से बहुत साल से ये प्रथा चली आ रही है। महाशिवरात्रि में भव्य आयोजन, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसमें एक रात पहले से ही हम सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप, उनकी आरती और बाबा का श्रृंगार नित्य सुबह शाम होता है और जिसमें बहुत नगरवासी हमारा बहुत सहयोग करते हैं और सभी भक्तगण हमारे यहाँ आके बाबा का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में क्या क्या रहता है? प्रसाद में व्रत होने के कारण से हम सब लोगों ने फलहार का व्रत होने के कारण से फलहारी कराई है। आज ये सत्यनगर में आनंदेश्वर महादेव मंदिर में ये कार्यक्रम चल रहा है। कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? 80 साल पुराना मंदिर है। हम लोग जब तक हमें 50 साल उम्र है जब से चल रहा है कार्यक्रम, हमारे देख रहे हैं तब से कार्यक्रम चल रहा है। शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में, भंडारा में क्या क्या खिलाया जाता है? भंडारा में फलाहार पहले प्राथमिकता है, फलाहार चलता है, उसके बाद पूरी सब्जी, सब तरह तरह के व्यंजन चलता रहता है।